अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, खुश हूँ, एंड आई होप आप सभी खैर आफियत से होंगे। यहाँ मैं आज मौसम का मज़ा ले रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है इस टाइप का ठंड का। यहाँ हल्की ठंड ही पड़ती है और उसमें से बारिश हो गई है तो ठंड भी थोड़ी बढ़ी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छी खासी बारिश हो गई है। आज हस्बैंड ना बोल भी रहे थे कि चलो दुबई दुबई, खैर के हम लोग नहीं गए आज बिल्कुल, क्योंकि लेज़ी लेज़ी सा मौसम लग रहा था, बच्चे भी लेज़ीनेस दिखा रहे थे एंड दुबई दुबई कर रहे थे, एंड खैर के हम लोग नहीं गए क्योंकि बारिश अच्छी खासी तेज़ हो गई है। दुबई दुबई साइड तो अच्छी खासी बारिश, रोड पर पानी पूरा दिख रहा है भरा हुआ, क्योंकि इधर ड्रेनेज की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस इसी तरह से मैं मज़ा ले रही हूँ। ये सामने फ्लैट्स में ना कुछ बच्चियाँ निकल के डांस कर रही थी रोड पे। एक्चुअली यहाँ बारिश नहीं होती है और जब हो रही है तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं बाहर निकल के। अभी तो कुछ हल्की हुई है, क्लाउड्स भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और सब निकले हुए हैं। अब वीकेंड ने देखी अच्छी खासी पार्किंग खाली हुई खाली है, बारिश है तो क्या हुआ, सब घूमने निकले हुए। शारजा की तरफ भी बहुत ज़्यादा बारिश जा रही है। एक चैलेंज कर रहे हैं शहजैब और मना के साथ। रुको जरा, सबर करो। पहले हाँ करो, पहले हम लोग इसको, हाँ पहले हम लोग आसे रखेंगे, हाँ फिर ये जो नीचे है ना इसको आस कर देगा। ओके नेक्स्ट चैलेंज। अब शहजैब करके दिखाएगा, चलो शहजैब डैन। हाँ वेरी गुड, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड शहजैब, कर लिया। अब मेरा ठीक है, पहले हाथ सीधा रखो, तुम शुरुआतें गलत करिए। ऐसे ऐसे एक स्टेप ठीक हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हाँ अब वैसे अभी ऐसी रहेगा, अभी घूमेगा इधर। अच्छा हाँ ठीक, तो चलो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जितना फिनिश। हाँ करो चैलेंज को ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपसे मुझसे तो मतलब स्टेप मैं कॉपी कर ले रही हूँ, वो क्या चीज को कर रहे, बट वो थोड़ा दूर के बाद मैं जाके भूल जा रही हूँ। देखो मम्मी, ओके अभी हम सिखाते, ओके ये है ना, इसको ऐसे ऐसे नहीं जोड़ेगी, ओके जानते जोड़ेगी और इसमें ये दोनों स्किन में जोड़ेगी, ओके नाखून ऐसे और ऐसे नहीं, ओके ऐसे ही जोड़ेंगे घुमाएंगे ऐसे। तो हम लोग का थर्ड चैलेंज जो है वो क्या होने वाला है, ये मेरा भाई डिस्क्राइब करेगा। चलो डिस्क्राइब करो पहले क्या करना है थर्ड चैलेंज। ये A4 साइज का पेपर है, इसको यू हैव टू पास इट फ्रॉम योर हेड टू टो, सर से डालना है और पैर से निकालना है। ये A4 साइज के पेपर को अपने बॉडी से पार करना है, दैट्स इट। ठीक है, पेपर फटना नहीं चाहिए, फटने का मतलब है कि ये कॉर्नर्स अलग नहीं होने चाहिए। बाकी बीच में तुमको जो कटिंग करना है करो, ठीक है। पूरे बॉडी से पास करना है, हाँ जैसे कपड़ा पहनते हैं ना, डाल लिए नहीं तो ये भी दे सकता है, मतलब सर से पास करना है तो हम उसको अगर स्क्वायर बीच वाला मिडिल पार्ट काट देंगे उसको, स्क्वायर मोड़ करके पेज को और सर से पार कर लेंगे, लेकिन बॉडी से तो नहीं पार होगा इतने भी तो हम लोग, तो वही है। और पैर से निकालना है, ठीक है बॉडी से पास करना, हम तो गिव अप कर रहे हैं। शहजैब डालेगा, कैसे डालेगा शहजैब? कहाँ से आते हैं ये लोग? और पेपर है तुम्हारे? तब नहीं होगा ना, गिव अप कर दोगे कि और कुछ ट्राई करना है तुमको शहजैब? हाँ ट्राई करना है। ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है, करके दिखाओ। पेपर काट देंगे,
ऐसे पूरा बदन तक काट देंगे, पैर का शेप बना देंगे थे, ओके पैर का शेप बनाएंगे बड़ा सा, जो एक सर भी है ना। अब आमिर को देखो बहुत। हम तो नहीं होगा, मैं फोल्ड कर लेना है हाफ हाफ में बराबर से। उसे तो कॉर्नर से काट देना है उसको, लेकिन फिर भी पार नहीं होगा, यहाँ से काटना है। हम समझ रहे, थोड़ा सा एंड छोड़ करके, एज को छोड़ के। दूसरा वाला काट लो। पेपर भी इतना डिजाइन शेप से काट रहे कि इसको भी दिखाना पड़ेगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा अभी तक। देखो इधर से ऐसे काटना है, यहाँ से अलग नहीं करना, फिर यहाँ से वैसे ही काटते हुए जाना, यहाँ से अलग नहीं करना, यहाँ से काटते हुए जाना, वैसे वैसे पूरा यहाँ पर। ठीक है सुंदर। और जब खुला तो ये कितना बड़ा सर्कल बन जाएगा, सर्कल बनेगा। सोचे हो क्या सोचे? ओपन करने में कुछ हम लोगों लगा, पहले ओपन करने में ही गलत हुआ, फिर वो देखा कि वो कटिंग में ही उससे कुछ गलती हो गई, तो फिर वो तो हुआ नहीं उसको। वो बहुत देर बेचारा भाई मेरा सेट करता रहा कि वो कैसे ओपन होगा, उसको लगा कि वो उलझ गया है, बट उसको बाद में पता चला कि वो उससे गलती ही कटिंग करने में गलत हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं इसके लिए। तो पहले हम लोगों को A4 साइज पेपर को डबल कर लेना है, इस साइड से कटिंग शुरू करें। बस इसको इक्वल लेंथ में ही लेके चलना है, कोई मोटा कोई पतला बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, और एज एंड नहीं काटना है। इधर हम गैप इसीलिए दे रहे हैं ज्यादा, या फिर इधर से एक ही बार मोड़ोगे पेज को। कट गया। अब ये सबसे लास्ट वाला जो है ना,
ये वाला इसको छोड़ के इसके बाद वाला पेपर को यहाँ से अलग कर देना। ओके ठीक है ठीक है। वैसे ही इसको भी ये लास्ट को नहीं करेंगे। अच्छा ये दोनों को लास्ट का नहीं करेंगे ठीक है। बाकी बीच का हो गया ठीक है। वही तो चैलेंज है ना कि कॉर्नर्स को नहीं काटना है। कॉर्नर्स नहीं काटना है। ये रहा A4 साइज का पेपर। दिस इज द A4 साइज पेपर एंड इसके बीच से हमारे अपने बॉडी को पार करना है। और ये कहीं से कटा हुआ नहीं है देखिए। पॉइंट्स कहीं से भी अलग नहीं है ठीक है। जहन में आया ही नहीं था इसलिए मैं जल्दी गिव अप करती हूँ। पर हम जल्दी गिव अप करते नहीं है ऐसे है कि है। फ्रेंड से सही बात है मैं जल्दी गिव अप नहीं करती हूँ। कौन सी बात पे हम गिव अप किए जैसे बता दो फॉर एग्जांपल। पर एग्जांपल देने के लिए तो फिर तुम अग्री कर जो कि हाँ सही बात है तुम गिव अप नहीं करती हो। अल्लाह पैदा लो पैदा लो। हम लोग पैसा को शर्त नहीं लगाए थे बाय द वे। हाँ हम ट्रिप दिखाए उसका पैसा तो तुम बोला था क्या जादू करके जादू देखोगे तो पैसा नहीं। वो बोले ना जिन कंकड़ों को अता की थी हमने धड़कन उनको जुबान मिली तो हम ही भी बरस पड़े। वाह 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 वाह। Tomorrow I will give you another challenge. Okay. But for that, we need some colorful pens. Okay. We will take colorful pen or pencil, anything. But that must be colorful so that it will be visible. We can take a sketch pen also. We can use a sketch pen, we can use colorful pencils, anything that will be visible. Okay friends, तो हम लोग अगले चैलेंज के लिए फिर रेडी होते हैं। वो मेरे बच्चे को टॉय में ऊपर छुपा के रखी हूँ ताकि उनके हाथ ना लगे। बहुत झगड़ा करने लगे हैं आज के लिए टॉयज के लिए। वो किंडर जो है कि वो बहुत छोटे छोटे टॉयज के कलेक्शन जमा के लिए फिर उसके लिए झगड़े ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा तो मैं उसे ही ऊपर रखती। आप भी ऐसे ही क्या कीजिए। मना क्या देख रही हो तुम? हम मिस्टर बीन देख रहे हैं। मिस्टर बीन देख रही हो? कितना अच्छा दिखाता है ना मिस्टर बीन। तक मतलब मिस्टर बीन देखो तो लगता है बस देख बच्चे जब देखते हैं तो मैं भी मिस्टर बीन देखने बैठ जाती हूँ। वूफी देखती है वूफू देखती है नहीं हम ना वो तो देखते हैं छोला चूची और वो दियाना और ऑटो पार्ट नहीं छनी पनी और नाच दिया। और किसका व्लॉग किसका देखती हो? मम्मी का व्लॉग्स और मम्मी का देखती हो। और किसका देखती हो? छालम जोशी का अलीबाबा अलीबाबा। अच्छा कौन लगता है उसके व्लॉग में? पीयूष लगता है कुनाली लगता है या सौरभ जोशी लगता है जो बड़े से हैं चश्मा पहनते हैं? पीयूष सबसे अच्छा लगता है। कौन? ये कौन सा साइड है? जब कुछ नहीं मिलता मना को गुस्सा आता तो मना कैसे करती है? पूछ आ रहा था मना का है ना अभी। मना क्या देख रही है ये भी बता दो। मना देखिए मना क्या देख रही है? मार्शा एंड द बियर। ये मार्शा ना मन्हा है ये वैसे ही बदमाश है मार्शा जैसी बदमाश है।